हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अभिमन्यु IAS। सो टारगेट IAS 2021 में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग ये सेशंस के अंदर करंट अफेयर्स को कवर अप कर रहे हैं, और अगर बात करें करंट अफेयर्स की, तो मार्च 2020 से अप्रैल 2021 के हम लोग करंट अफेयर्स को कवर अप करेंगे। तो ये मोर देन वन ईयर्स के जो करंट अफेयर्स आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं प्रिलिम्स और मेन्स एग्जामिनेशन के लिए, 2021 के प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से जो आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहेंगे, वो सारे के सारे मार्च 2020 से अप्रैल 2021 के हम लोग कवर अप करेंगे इन्हीं सेशंस के अंदर इन 70 डेज। तो 70 डेज के अंदर हमारा ये टारगेट रहेगा आपका कि अगर बात की जाए सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2021 से पहले, प्रीलिम्स से पहले हमारा ये टारगेट कंप्लीट हो जाना चाहिए, और बहुत ईजिली हो भी जाएगा। अगर बात करें करंट अफेयर्स की, तो स्टूडेंट्स जिसको भी करंट अफेयर के अंदर कोई भी डाउट रहता है ना, कोई भी प्रॉब्लम दे रही है, तो आप लोग ये सेशंस को कॉन्टिन्यूसली बस मेरे साथ बने रहें और देखते रहें। तो कोई भी डाउट रहेगा तो आप लोग मुझे बता देना, और हम लोग ये सेशंस के अंदर करंट अफेयर्स को इतने एक्सप्लेन्ड मैनर में करेंगे कि आपको और कुछ डाटा पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। क्लियर है? अभी तक के हमने 11 लेक्चर्स को अपना कवर अप कर लिया, जिसके अंदर हमने मार्च एंड अप्रैल 2020 के करंट अफेयर्स को कवर अप किया है। इवन हमने मई के भी कुछ लेक्चर्स को अभी तक का लगा लिया है। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 12th है, और वो भी 12th लेक्चर नंबर आपका मई 2020 करंट अफेयर्स के बेसिस पे ही रहने वाला है। आई एम करम अग्रवाल, करंट अफेयर्स मेंटर इन द अभिमन्यु IAS। तो शुरू करें हम आज का सेशन। अगर बात करें आज की सबसे पहली न्यूज की, तो हमारी सबसे पहली न्यूज हमारी रहती है आज की कि मॉडिफिकेशंस इन द PMRF स्कीम। मॉडिफिकेशंस हुई हैं किसके अंदर? PMRF स्कीम के लिए। तो ये PMRF स्कीम क्या रहती है आपकी? दिस इज योर प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप स्कीम। तो इसके तहत क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या क्या किया गया है, और पास्ट में क्या हुआ, प्रेजेंट में क्या, और फ्यूचर में क्या होगा, ये हम सारा कुछ यहां पे देखना शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं जी। अगर बात करें द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, मतलब कौन सी मिनिस्ट्री आ गई? HRD मिनिस्ट्री अपने पास आ चुकी है, ठीक है। हैज कैरिड आउट वेरियस अमेंडमेंट्स, इन्होंने कुछ चेंजेस किए अमेंडमेंट्स के, किसके अंदर? इन द प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप स्कीम। तो आपको ये पता लग गया है जो PMRF स्कीम है वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है? HRD मिनिस्ट्री के अंदर आती है। कौन सी है वो? ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। क्लियर? किसके लिए? क्यों आई? टू बूस्ट रिसर्च इन द कंट्री। हमने इंडिया के अंदर रिसर्च को काफी ज्यादा बढ़ावा दिया है, इसीलिए तो हमने चेंजेस लेकर आए, इसलिए तो हमने चेंजेस किए HRD ने, आप लगा सकते हो अमेंडमेंट्स किए PMRF स्कीम के लिए के अंदर, ठीक। ये बोलते हैं इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट मेरिटोरियस स्टूडेंट्स इनटू रिसर्च, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार ने 2018 के अंदर लॉन्च किया था PMRF स्कीम को। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। क्यों मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को हमने रिसर्च के अंदर ज्यादा लेकर आना है? भारत सरकार ने 2018 में लॉन्च किया PMRF स्कीम को, विच ऑफर्स। तो ये क्या ऑफर देती है? डायरेक्ट एडमिशन्स टू सच स्टूडेंट्स इन द PhD प्रोग्राम्स, कि डॉक्टरेट लेवल का जो आपका प्रोग्राम रहता है, जो डॉक्टरेट डिग्री है आपकी, तो उसके अंदर आपको डायरेक्ट एडमिशन्स दी जाएंगी इन द वेरियस हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स इन द कंट्री। क्लियर? चले आगे, नेक्स्ट देखते हैं। द स्कीम इज एम्ड एट अट्रैक्टिंग द टैलेंट पूल ऑफ द कंट्री। इनका मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पे दिखाया गया है कि मेन रीजन एम क्या था। देखो, कोई भी स्कीम लॉन्च की उसका कोई ना कोई एम रहेगा या ऑब्जेक्टिव होगा। तो ये PMRF स्कीम का एम लगा लो, ऑब्जेक्टिव, वो क्या है कि अट्रैक्ट करना है वो टैलेंट स्टूडेंट्स को भारत के टू डॉक्टरल प्रोग्राम, जिसको PhD बोल दिया, फॉर कैरिंग आउट रिसर्च इन कटिंग एज साइंस एंड टेक्नोलॉजी डोमेन्स। तो किसके अंदर हमने रिसर्च करना है? बेसिकली साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। ये याद रखेगा, हमने रिसर्च शुरू किया है PMRF के स्कीम के तहत किसके अंदर? साइंस एंड टेक्नोलॉजी डोमेन्स के अंदर, विद फोकस ऑन नेशनल प्रायोरिटीज। क्लियर?
मेंस पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा आप लोग याद रखना कि कौन सी ऐसी स्कीम लॉन्च की गई है भारत सरकार के द्वारा जो साइंस और टेक्नोलॉजी को और भी बढ़ावा देगी, क्योंकि अगर रिसर्च होगा तो कुछ ना कुछ रिजल्ट्स आएंगे और हमें और ज़्यादा तरक्की इसमें देखने को मिलेगी, डेवलपमेंट देखने को मिल जाएगी। तो वो स्कीम है PMRF, प्राइम मिनिस्टर्स रिसर्च फेलोशिप स्कीम। किसके अंदर आती है? HRD मिनिस्ट्री के अंदर आती है। क्लियर? यहाँ पे अगला देखते हैं। ये कहते द इंस्टीट्यूट्स विच कैन ऑफर। अब जो इंस्टीट्यूट्स हैं जो PMRF को ऑफ मतलब करवा रहे हैं वो कौन कौन सी हैं? एक तो IITs हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज, IISER, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, एंड और कौन सी है, बेंगलुरु एंड सम ऑफ द टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, जिसके अंदर आपकी NITs भी आ रही हैं, दैट ऑफर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिग्री। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है? फिर भी स्टूडेंट्स कोई डाउट रहता है, देखिए मेरा वही सेम आंसर है आप लोगों के लिए, हर एक सेशन में मैं रिपीट करता हूँ, कोई भी डाउट रहता है ना तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और मैंने पिछले सेशंस के वीडियोस को भी फॉलो किया था तो वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स को ये डाउट आ रहा है कि क्या ये करंट अफेयर्स की जो डेली बेसिस पे क्लासेस लग रही है क्या ये कंटिन्यू रहेंगी? जी बिल्कुल, ये कंटिन्यूटी में ही रहेंगी आपकी। 70 डेज के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया गया है अभिमन्यु की तरफ से, तो हम लोग इसको कॉन्टिन्यूटी में रखेंगे। और दूसरा डाउट ये रहता है कि इसका PDF फॉर्मेट आपको कहाँ से मिलेगा? तो स्टूडेंट्स ये वीडियो के बिल्कुल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड किया गया है, आप वहाँ पे क्लिक करके अपनी डेली बेसिस की जो करंट अफेयर्स की यहाँ पे वीडियो चलती हैं उसके बेसिस पे उसकी PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगी। क्लियर? आगे चलते हैं। अब ये आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मतलब HRD मिनिस्ट्री ने क्या किया, इन्वाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर द PMRF स्कीम। अब क्या है स्कीम, क्या है, डायरेक्ट एडमिशंस मिल जाएंगी IISCs में और IITs में फॉर PhD प्रोग्राम। कंसेप्ट याद रखना, डॉक्टरेट प्रोग्राम के लिए है सिर्फ, क्योंकि हमने रिसर्च की बात की है ना। कहते वर्क इन बेस्ट लैब्स एंड विद बेस्ट रिसर्च। एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, या तो बैचलर्स इन टेक्नोलॉजी होना चाहिए इन लास्ट 5 years और इन द फाइनल ईयर ऑफ द BTech और इंटीग्रेटेड MTech मतलब मास्टर्स या फिर इंटीग्रेटेड MSc's। क्लियर? अगर रिक्वायरमेंट की बात की जाए आपको अप्लाई करना है ये गिवन लिंक्स पे, और यहाँ पे क्या है स्पेसिफिक एरिया ऑफ द 100 words, और ये सारा वहाँ पे एक सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। क्लियर? तो ये क्या था आपका PMRF स्कीम, प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप, किसके अंदर आता है? ये आ रहा है आपका मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये सबसे पहला किसको रिसर्च में सबसे ऊपर लेकर आया गया, साइंस को, और दूसरा किसको स्टूडेंट्स, टेक्नोलॉजी। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट है तो प्लीज बताएं। नेक्स्ट चलते हैं। अब यहां पे देखते हैं यही न्यूज के अंदर, कहते अर्लियर द फेलोशिप स्कीम वॉज ओपन। इससे भी पहले, ये स्कीम लॉन्च होने से पहले कुछ फेलोशिप स्कीम्स भी ओपन थी। वो कौन कौन से स्टूडेंट्स थे? वो थे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के, IITs के, IISCs के, NITs के, IISERs के, IIESTs एंड IIITs के। क्लियर? अब यहां पे अगर देखा जाए तो द रिक्वायरमेंट ऑफ द गेट स्कोर हैज ऑल्सो बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 750 से 600। तो ग्रेजुएट एबिलिटी टेस्ट रहते हैं ना आफ्टर इंजीनियरिंग, तो उसके जो मार्क्स रहते हैं वो भी 750 से 600 कर दिया, क्योंकि हमें रिसर्च को बढ़ावा देना है। लेटरल एंट्री की बात की जाए, द स्टूडेंट्स हु आर परसुइंग PhDs, जो स्टूडेंट्स, जो छात्र अभी PhD कर रहे हैं अंडर द PMRF स्कीम्स ग्रांटिंग इंस्टीट्यूशंस हैव कंप्लीटेड 12 मंथ और 24 मंथ, जिसको एक साल या फिर दो साल हो चुके हैं, एज पर द सर्टन रिक्वायरमेंट्स कैन ऑल्सो अप्लाई टू बिकम फेलोशिप अंडर द स्कीम। तो उनको भी ये स्कीम के बेनिफिट्स मिल सकते हैं। क्लियर? चलें आगे। यहाँ पे आगे लिखते हैं नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसको NITs बोला गया हमने, विच अपेयर इन टॉप 25 इंस्टीट्यूशंस इन द नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग कैन ऑल्सो बिकम PMRF ग्रांटिंग इंस्टीट्यूशंस। क्लियर? अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि टू बूस्ट रिसर्च अ डेडिकेटेड डिवीजन इज बीइंग क्रिएटेड। एक अब किसको बोल दिया, रिसर्च को हमने बढ़ावा देना, तब तो लिखना बूस्ट, तो क्या हो गया, एक डिवीजन बनाई गई है। डेडिकेटेड क्या रहता है कि जो बहुत ज्यादा सिंसेरिटी से इसके ऊपर काम कर रही है, किसके अंदर आती है, वो आती है HRD मिनिस्ट्री के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ, वो कौन सी HRD मिनिस्ट्री है, विद द नेम ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन डिवीजन। प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपका कि वो डिवीजन कौन सा है, एंड एक मिनट मैं यहां पे अंडरलाइन कर देता हूं,
डिफरेंट कलर का कलर यू पेन का यूज करके, वो है रिसर्च एंड इनोवेशन डिवीजन अंडर द एचआरडी मिनिस्ट्री के। क्लियर है स्टूडेंट्स, यहाँ तक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंदर आ रहा है ये वाला। कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट सेशन की तरफ चलते हैं, एक मिनट। अब हमने नेक्स्ट न्यूज देती है स्मार्ट मीटर्स की। अब ये स्मार्ट मीटर्स की अगर बात की जाए, ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू जनरल स्टडीज पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जीएस पेपर 3 के लिए। क्लियर, धीरे धीरे पढ़ना शुरू करते हैं। यहां पे लिखा है कि द एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड WESL एंड स्मार्ट मीटरिंग प्रोग्राम्स, कंसेप्ट याद रखना कौन सा प्रोग्राम है स्मार्ट मीटरिंग प्रोग्राम्स, ये दोनों कौन कौन है, WESL और एक आ गया SMPs, हेल्प करेंगे इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को जो बिजली को भेज रहे हैं। जैसा कि अगर आप पंजाब की बात करते हैं, हमारे पास है PSPCL, पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, एक आता है PSTCL, पंजाब स्टेट ट्रांसमिशन, तो ट्रांसमिशन को ये हेल्प कर रहे हैं, इस हेल्पिंग इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ना कंपनीज को कि जनरेट 95% ऑफ द बिलिंग एफिशिएंसी ड्यूरिंग द लॉकडाउन। इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा कौन सा है ये स्कीम, ये आपकी आ रही है स्मार्ट मीटरिंग प्रोग्राम्स के तहत। क्लियर, यहां पे लिखा कि एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड अब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, PSU है, भारत सरकार की कंपनी है ये, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है जो, इज द डेजिग्नेटेड एजेंसी टू इंप्लीमेंट द स्मार्ट मीटरिंग प्रोग्राम इन इंडिया। मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, तो आपको ये पता लग गया कि जो भारत के अंदर अब स्मार्ट मीटर यूज होने जा रहे हैं वो कौन सी PSU के तहत आते हैं, वो आते हैं एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के अंदर आते हैं, और ये पब्लिक सेक्टर है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर। क्लियर है, तो इन्होंने तो बोल दिया इस डेजिग्नेटेड एजेंसी, तो यही डेजिग्नेटेड एजेंसी है टू इंप्लीमेंट, जिन्होंने इंप्लीमेंटेशन करना शुरू किया किसको, स्मार्ट मीटरिंग प्रोग्राम को भारत के अंदर। कहते इट इज बीइंग इंप्लीमेंटेड to deploy smart meters across the country, पूरे भारत में। Next आता है under this program, अब इस program के तहत क्या है, कितना आ रहा है ये आ गया आपका 12,06,435 smart meters। Clear है, ये 12,06,435 smart meters आपके लग रहे हैं इतने, have been installed till the date to enhance consumer convenience and rationalize electricity consumption। क्लियर, इन्होंने बोल दिया कि एडवांस्ड मीटर डिवाइस जो अभी हमने देखा कौन से मीटर से एडवांस मीटर है, और वो डिवाइस है हैविंग द कैपेसिटी, उसके अंदर क्या कैपेसिटी है, टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन, एक तो इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करेगी किसके ऊपर, एनर्जीज के ऊपर, कि भैया कितनी हमने इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर ली, वाटर एंड गैस यूजेज एट वेरियस इंटरवल्स, इवन आप ये देख लो पानी का भी और गैस को भी at various intervals and transmitting the data through the fixed communication network to the utility। Concept देखें आप लोग, मैं इसको prelims के लिए भी बोलता हूँ, even मैं आपको mains के लिए भी ये recommend करूँगा ये वाला data, तो कि आपको पता होना चाहिए कि smart meter कौन-कौन से information collect कर रहा है, energy, water, gas, और एक fixed communication line के through वो transmission कर रहा है, कहते as well as receive, ये receive भी करता है information, like जो प्राइसिंग सिग्नल है कितने दर पे चल रहा है फ्रॉम यूटिलिटी एंड कन्वेइंग इट टू द कंज्यूमर्स। क्लियर, कहते विद इलेक्ट्रिसिटी डिमांड्स एक्सपेक्टेड टू राइज बाय, अब बिजली की अगर मैं बात कर लूं, इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड अगर कितनी परसेंट इंक्रीज हो गई है, 79% इंक्रीज हुई है पिछले 10 सालों में। इंडिया इज ऑन पाथ ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इट्स एनर्जी मिक्स विद इनोवेशन। अभी अगर आपको याद होगा, अगर ये डाटा हम इंपॉर्टेंट बोलते हैं, तो हमने आज से 3-4 सेशंस पहले एक न्यूज पढ़ ली थी कि इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो हमने ये अगर किसी भी लर्नर को याद है तो वो न्यूज इससे रिलेट कर सकते हो आप लोग। क्लियर है, चलें आगे। ये बोलते हैं टू मीट द एनर्जी नीड्स अलोंग विद एनहांसिंग एनर्जी प्रोडक्शन,
द नेशन ऑल्सो नीड टू कट, किसको कट करना है, एग्रीगेट टेक्निकल एंड द कमर्शियल लॉसेस. कौन से लॉसेस आते हैं, ATNC, ये कौन से लॉसेस हो गए आपके, ये हो गए एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेस. ठीक है, कितना कितना करना है, 12% से भी कम करना है बाय 2020 एंड बिलो 10% बाय 2027. ये आपके लिए एक टारगेट हो गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या इस टारगेट को अचीव कर पाएगी कि 12% हमें लॉसेस को कम करना है बाय 2022, और अगर बात कर लो और भी कम करना है बाय 2027. तो अगर इसका डिफरेंस मैं क्रिएट करूं, मतलब 2% लॉसेस मुझे हर 5 साल में अपने क्या करने हैं, घटाने हैं. ये डाटा के पर्सपेक्टिव, क्लियर है स्टूडेंट्स, यहां तक चले आगे नेक्स्ट देखते हैं. अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं, कहते इट इंसेंटिव एनर्जी कंजर्वेशन बाय चेकिंग डाटा एंट्री एरर्स. एक तो जो डाटा एंट्री एरर्स रहते उसको चेक किया जाएगा, बिलिंग एफिशिएंसी और एक बहुत ही एफिशिएंटली बिल जनरेट किया जाएगा, एंड कटिंग द कॉस्ट ऑफ मैनुअल मीटर्स, और जो हम लोग अभी मीटर इंस्टॉल करवाते हैं तो उसके जो चार्जेस रहते हैं उसको भी बंद कर दिया जाएगा. रीडिंग थ्रू अ वेब बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम, अब रीडिंग भी आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन होती है वो भी वेब बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम हो जाएगा. क्लियर, यहां पे पहला पॉइंट क्लियर हो चुका है. सेकंड पॉइंट क्या है, स्मार्ट मीटर्स डिप्लॉयड कैन ऑल्सो स्विच टू प्रीपेड मोड. अब ये नहीं है कि हम लोग जब इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा तब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पे कर देंगे, नहीं, अब प्रीपेड मोड पे भी आप लोग इसको शिफ्ट कर सकते हो, यानी कि जितना आप लोग पहले एडवांस में पेमेंट दे दोगे उसके हिसाब से आप इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम कर पाओगे. हमने एक एग्जाम्पल ले इलेक्ट्रिसिटी का, क्लियर है. नेक्स्ट ये बोलते हैं, इट एनहांसेस कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन थ्रू बेटर कंप्लेंट मैनेजमेंट. एक तो कंप्लेंट मैनेजमेंट बहुत बेटर हो जाएगा, तो कहने का मतलब क्या है कि आपको इंस्टेंटेनियसली आपकी जो कंप्लेंट है सॉल्व आउट की जाएगी. सिस्टम स्टेबिलिटी होगी, बिल्कुल ठीक है. एक तो रिलायबिलिटी होगी एंड ट्रांसपेरेंसी, बिल्कुल पारदर्शी रहेगा कि आपने जितनी खपत की उसके हिसाब से आपने पैसा देना है. ठीक है, ये आगे बोलते हैं, द न्यू मीटर्स हैव द टाइम ऑफ डे. क्या है, टॉड है, मतलब टैरिफ फीचर्स विच अलाउ कंज्यूमर टू रीशेड्यूल इलेक्ट्रिसिटी यूजेज. कंसेप्ट देखें, इंपॉर्टेंट रहेगा बहुत ज्यादा कि अब जो नए मीटर आ रहे हैं, स्मार्ट मीटर जिसको बोल दिया, वो टॉड के बेस पर आ गए, मतलब टाइम ऑफ डे. तो ये है क्या चीज जो इलेक्ट्रिसिटी को खपत कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, टू रीशेड्यूल. वो रीशेड्यूल कर सकता है किसको, इलेक्ट्रिसिटी यूजेज को, टू द ऑफ पीक आवर्स एंड रिडक्शन इन द बिल अमाउंट सिग्निफिकेंटली. कंसेप्ट देख ले आप लोग, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है. चलें आगे थोड़ा सा और, अगर देखें एक मिनट, इसी न्यूज के अंदर मैं डाटा एड ऑन कर देता हूं आप लोगों के लिए. अब हम लोग अगर बात करें इसके चैलेंजेस के लिए, हमने न्यूज को तो पढ़ लिया कि क्या क्या हम चैलेंजेस को फेस करेंगे ये प्रोडक्ट्स, ये चीजें लेकर आने में, क्लियर है. अब देखते हैं जस्ट अ सेकेंड, अगर सबसे पहली मैं बात करूं, नंबर वन, एक तो रहेगा आपका हाई कैपिटल कॉस्ट. हाई कैपिटल कॉस्ट आपकी बहुत ज्यादा आ जाएगी, क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या रहेगा, रिक्वायर्ड एक्सपेंडिचर, खर्चा लग चाहिए हमें ऑन ऑल द हार्डवेयर, जो सामान हम खरीदेंगे उसके लिए पैसा लगेगा, एंड सॉफ्टवेयर्स. सॉफ्टवेयर क्यों चाहिए होगा, क्योंकि अभी हमने ये न्यूज के अंदर एक चीज पढ़ ली थी कि वेब बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम होगा, ठीक है. सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स, नेटवर्क, क्लियर है स्टूडेंट्स यहां तक. अगर मैं दूसरी बात करूं तो वो क्या रहेगा, इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन के अंदर क्या रहेगा हमारा, इंटीग्रेशन के तहत देखते हैं, कहते विद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम्स, क्लियर है. कस्टमर इंफॉर्मेशन सिस्टम, यह हमें सारा डाटा मेंटेन करके रखना पड़ेगा, बिल्कुल है ना, इवन हैक ना हो जाए वो, उस चीज का भी कंसेप्ट ध्यान में रखना पड़ेगा. तो ये सारे ये चैलेंजेस है ना हमारे, हम लोगों के लिए, कि कस्टमर इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाना पड़ेगा. और क्या होगा, एक होगा आपका ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन, कि वो
दैट पर्सन वो कहाँ पे है और कहाँ से बिलोंग करता है, तो वो तो उसकी प्राइवेसी को ब्रीच कर देंगे हम लोग अगर वो डाटा क्या हो गया, हैक हो गया तो ठीक। तो ये सारे के सारे हम लोग चैलेंजेस को फेस करेंगे, ठीक है। आगे अभी फर्दर इसके ऊपर टास्क चल रहा है, देखते हैं, लेट्स सी, नेक्स्ट चलते हैं। हमारी नेक्स्ट न्यूज आती है रेवेन्यू लॉस टू द स्टेट्स। सीधी बात है, ये न्यूज क्यों आ गई? लॉकडाउन हुआ जिसके कारण जो हर एक स्टेट है भारत के अंदर 29 राज्यों में इकोनॉमी डाउन हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि उनके स्टेट का जो रेवेन्यू था वो जनरेट नहीं हो पाया, वो कंसेप्ट है। इसीलिए तो ये न्यूज आपकी आई आपके सामने। शुरू करें तो देखते हैं, यहां पे लिखा गया है कि अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट्स फ्रॉम द इंडियन रेटिंग एंड द रिसर्च। कंसेप्ट देखे कहां से ये एस्टिमेट आता है, ये आया भारतीय रेटिंग एंड रिसर्च, अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। ये कौन सी है? एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। द कोविड 19 लॉकडाउन हैज कॉज्ड 21 मेजर स्टेट्स, 21 बड़ी राज्यों को सफर करना पड़ा किसके लिए? अ कलेक्टिव रेवेन्यू लॉस ऑफ अबाउट 97,100 करोड़ फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। बात करें भारत के अंदर 21 बड़े राज्यों की, टू सफर कलेक्टिव, इकट्ठा, अलग अलग नहीं बोल रहा, इकट्ठे की बात कर रहा हूं मैं। ये सभी भारत के 21 राज्यों को सिर्फ 2020 के अप्रैल महीने के अंदर कितना रेवेन्यू लॉस हो चुका है? 97,100 करोड़। क्लियर है? ये बोलते हैं द लॉकडाउन कॉज्ड डिसरप्शंस टू किसको? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के अंदर कौन आ जाएगा? प्रोडक्शन के अंदर मैं बोल सकता हूं इंडस्ट्रीज, इवन आपके स्मॉल स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, ये सारे के सारे इसके अंदर फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम को। सप्लाई चेन टूट गई। क्यों टूट गई? क्योंकि मूवमेंट क्या थी? बिल्कुल बैन थी। ट्रेड भी रुक गया इन दोनों के कारण, एक तो मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पा रही थी और मूवमेंट रुक गई थी। एंड टोटल वॉश आउट ऑफ एक्टिविटीज इन एविएशन, एविएशन के अंदर भी बिल्कुल रुक गया था सब कुछ। टूरिज्म बंद हो चुका था, अगर टूरिज्म बंद होगा तो होटल्स भी बंद हो जाएंगे, हॉस्पिटैलिटी भी इफेक्ट काफी थी। क्लियर? यहां से क्लियर है पहले दो पॉइंट्स, आगे चलते हैं फर्दर। यहां पे लिखा हुआ है ऑल्दो ड्यूरिंग द लॉकडाउन, लॉकडाउन के टाइम पे नियरली 40% ऑफ द इकोनॉमी वॉज फंक्शनल। भारत के अंदर अगर हम लोग बोलते हैं कि मेरे पास इकोनॉमी 100% है, तो क्या थी लॉकडाउन में 60% इकोनॉमी पे सिर्फ काम किया जा रहा था, बाकी 40% सॉरी मैं गलत बोल गया, 60% तो बंद थी, सिर्फ 40% इकोनॉमी आपकी चल रही थी। अगर ये 40% की बात करें तो इसके अंदर आपका क्या आ जाएगा? इसके अंदर आपके हॉस्पिटल्स आप बोल सकते हो, एसेंशियल सर्विसेज के अंदर जो भी प्रोडक्ट आ रहे हैं एसेंशियल सर्विसेज के अंदर, लाइक योर मेडिसिन, लाइक योर फूड ग्रोसरीज, तो यही सब थे बस जो भारत की 40% इकोनॉमी को बचाए हुए थे। एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज डिफाइंड एज एसेंशियल्स वर अलाउड टू ऑपरेट, वही आ गया ना कंसेप्ट, एसेंशियल में मेडिकल आ गया था, मेडिसिन आ रही थी आपकी, फूड ग्रोसरीज आ रही थी, इसके अलावा तो कुछ भी हमें यूज के आ ही नहीं रहा था, जो नेसेसरी था बस वही चीज थी। अब मैं यही बोल सकता हूँ कि मेडिसिन हो गया, फूड ग्रोसरीज हो गई, जो डेली की यूसेज रहती है, बस वही चीज आपकी भारत की 40% इकोनॉमी को चला रही थी, बाकी 60% तो बंद थी। क्लियर है स्टूडेंट्स यहां तक? आगे चलते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? दिस मीन्स दैट डिस्पाइट द लॉकडाउन some amount of revenue did acquire to the states। कहते हालांकि लॉकडाउन हो रखा था बट फिर भी कुछ रेवेन्यू तो जनरेट हुआ स्टेट्स का। बट डिस्पाइट दिस द स्टेट फेस सिग्निफिकेंट रेवेन्यू लॉस। इसके तहत भी ये बोलते हैं फिर भी कि मेडिसिन हो गई, फूड ग्रोसरीज हो गई, एसेंशियल सर्विसेज इवन खुली थी, फिर भी हर एक राज्य का, भारत के यहां पे लिखा ना कि 21 राज्यों को फिर भी क्या हो गया था? रेवेन्यू लॉस हुआ था अप्रैल 2020 में। क्लियर स्टूडेंट्स यहां तक? चलिए नेक्स्ट आगे है, कौन कौन से राज्य हैं वो आपके? वो आते हैं आपके एक तो गोवा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना। अब
कंसेप्ट देखें आप लोग, मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर हम लोग बात करें, ये अगर मेरा भारत है, लेट से अगर ये मेरा भारत है, ये मेरा गोवा है, ये मेरा महाराष्ट्र आ गया, दिस इज माय कर्नाटका, ये मेरा केरला आ गया, ये मेरा तमिलनाडु आ गया, इवन यहाँ पे मेरा तेलंगाना आ चुका है, तो भारत के मैक्सिमम साउथ इंडिया में, साउथ इंडियन स्टेट्स में आपको रेवेन्यू लॉस ज़्यादा देखने को मिल गया, क्योंकि ये ज़्यादा डेवलप है, यहाँ पे ज़्यादा ट्रेडिंग किया जाता है, यहाँ पे ज़्यादा इंडस्ट्रीज हैं और यहाँ पे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ इंडिया, बिल्कुल ठीक है ना। अब इसके ऊपर भी मैं अगर देखो तो क्यों है, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको रॉ मटेरियल बहुत इजीली प्रोवाइड किया जाता है, इसीलिए तो मैक्सिमम लॉसेस स्टेट्स के महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिल, तेलंगाना जैसे स्टेट्स को हुआ, हालांकि हुआ अदर स्टेट्स को भी है, पंजाब ऑल्सो फेसेस द रेवेन्यू लॉस, हरियाणा ऑल्सो फेसेस रेवेन्यू लॉस, यूपी, उत्तराखंड, इन सभी ने भी रेवेन्यू लॉसेस को झेला है, इवन बिहार ऑल्सो फेसेस रेवेन्यू लॉस, बट एज कम्पेयर टू द साउथ इंडियन स्टेट्स हमने कम फेस किया। यहां पे लिखा 65-76% ऑफ देयर रेवेन्यू कम फ्रॉम देयर ओन सोर्सेस। कंसेप्ट देखें, ओन सोर्सेस का मतलब है क्यों, क्योंकि यहां पे स्मॉल स्मॉल इंडस्ट्रियल यूनिट्स बहुत ज्यादा है। क्लियर? क्यों ज्यादा है? क्योंकि स्टूडेंट्स आपको यहां पे रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबिलिटी है। हमने अगर बात करें तो अगर यहां पे देखा जाए COVID-19 के लॉकडाउन के तहत तो कंस्ट्रक्शन बिल्कुल रुक गया था ना, तो वो कंसेप्ट भी है। चले आगे, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कहते हैं बट द प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टेट्स आर मोर प्रिकेरियस, क्यों? बिकॉज ऑफ द एक्चुअल बैटल अगेंस्ट COVID-19 एंड एसोसिएटेड एक्सपेंडिचर्स बीइंग इंक्योर्ड बाय देम, क्योंकि खर्चा भी हो रहा था और COVID-19 को रोकना भी था। क्लियर है? यहां पे लिखा अंडर द करंट सर्कमस्टांसेस There is a fair amount of uncertainty, बिल्कुल ठीक है, regarding किसके regarding quantum and the timing of the states receivable from the center। concept देखें, ये अब बोल रहे हैं regarding the quantum and the timings of the states receivable from the center, जो center निर्देश दे रहा था उसके तहत भी हम लोग dependent थे। Their own sources of revenue, कि हर एक राज्य का जो खुद से पैसा बना रहे थे वो लोग have also fallen to abysmally low level, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ही लो हो चुका था। करेक्ट? कहते द सिचुएशन मे इंप्रूव समवॉट इन द मई 2020। अब मैं अगर बात करें मई 2020 में कुछ सिचुएशंस हालात काबू में आ रहे थे ड्यू टू द ईज ऑफ सम रेस्ट्रिक्शंस। क्यों आ गई थी? क्योंकि जो आपका COVID-19 का ग्राफ था ना, अब हम लोग बोलते थे उस टाइम पे कि अब ये ग्राफ ऊपर जाने की बजाय अब ये हल्का सा स्टेबल हो रहा था, ये स्टेबल हो रहा था, इसलिए तो हमने यहाँ पे ये वर्ड यूज किया कि इंप्रूव हुई, मई से शुरू हो चुकी थी 2020 से। क्लियर? और कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से रेस्ट्रिक्शंस भी थोड़ी सी ईज की गई थी। उसके अंदर क्या था, लिकर सेल, एल्कोहल का सेल शुरू हो गया था जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखा गया था यहाँ पे। रेजिंग द एक्साइज ड्यूटी ऑन द लिकर, कंसेप्ट देखिए, मैंने यहाँ पे क्यों बोल दिया कि यहाँ पे सबसे ज्यादा था, कंसेप्ट सुने सीरियसली, कि अगर लिकर सेल हो रहा है, अगर लिकर पे जो हम लोग टैक्सेस लगाते हैं, कंसेप्ट सुने, जो टैक्सेस लगाते हैं वो GST के अंडर नहीं आता है, वो आ रहा है एक्साइज ड्यूटी के अंदर आ रहा है, मतलब जो भी यहाँ पे हम टैक्सेस लगाएंगे वो सीधा टैक्सेस, वो सीधा रेवेन्यू किसको मिलेगा, वो स्टेट को मिलेगा। ठीक है, इसीलिए तो रेजिंग द एक्साइज ड्यूटी ऑन द लिकर। सम स्टेट्स हैव रेज्ड वैट, अब वैट क्या है, वैल्यू एंड टैक्सेस ऑन पेट्रोल एंड डीजल। याद रखें कंसेप्ट स्टूडेंट्स, कि जो आपका लिकर है, पेट्रोल हो गया आपका, ये डीजल हो गया, ये सारे के सारे GST से बाहर हैं अभी तक के। क्लियर है? दे आर ऑल कंसीडर्ड अंडर द वैल्यू एंड टैक्सेस, मतलब जो डायरेक्ट टैक्स स्टेट को मिलेगा, स्टेट को भी अपना रेवेन्यू जनरेट करना है, तो वो रेवेन्यू कैसे जनरेट कर रहे थे एट दैट टाइम, लिकर से, पेट्रोल से और डीजल से। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, यहां पे लिखा है कि स्टेट्स ओन रेवेन्यू मेनली कम्स फ्रॉम, कि हर एक राज्य का मैक्सिमम रेवेन्यू कहां से आता है, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेस SGST। कंसेप्ट देखें, एक होता है GST, अब GST में क्या है, लेट से सपोज मैंने कोई भी आर्टिकल ले लिया,
उसके ऊपर मैंने 5% एक्स्ट्रा दिया, जीएसटी दिया। तो ये जीएसटी में क्या होता है, सेंटर जीएसटी होता है 2.5%, फिर होता है स्टेट जीएसटी, वो भी कितना होता है 2.5% का। तो स्टेट ने, राज्य ने क्या कमाया, 2.5% कमा लिया। क्या कमा लिया, 2.5% कमा लिया। क्लियर है? तो भी तो लिखा स्टेट्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स एसजीएसटी। फिर आता है स्टेट वैल्यू एडेड टैक्सेस वैट, जो हमने कहां कहां पे देख लिया, एक मिनट, ऑन पेट्रोल प्रोडक्ट्स, स्टेट एक्साइज मोस्टली ऑन लिकर एल्कोहल पे, स्टैम्प्स एंड रजिस्ट्री फीस। स्टैम्प्स क्या, जो आप लोग टिकट यूज करते हो, रजिस्ट्री फीस जो आप लोग कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करके आफ्टर रजिस्ट्रेशन करवाते हो उसकी फीस, व्हीकल की टैक्सेस एंड टैक्स एंड ड्यूटी ऑन इलेक्ट्रिसिटी, जो हम लोग बिजली कंज्यूम करने के बाद जो टैक्सेस पे करते हैं, एंड ऑन नॉन टैक्स रेवेन्यू। क्लियर है? ये थोड़ा सा मैप हम लोग देखते हैं। यहाँ पे लिखा रेवेन्यू शॉर्टफॉल, कहते हैं मैप शोज द स्टेट वाइज एस्टिमेट लॉस ऑफ ऑन रेवेन्यू, कि हर एक राज्य ने कितना कितना लॉस झेला है, उस कंसेप्ट को देखते हैं। कहते दिस इंक्लूड्स एसजीएसटी, वैट, स्टेट एक्साइज, व्हीकल टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूस ड्यूटीज एंड ऑन नॉन टैक्सेस। अब यहां पे देखें, महाराष्ट्र, यूपी एंड तमिलनाडु हैव सफर्ड द मोस्ट एस्टिमेटेड लॉसेस। कंसेप्ट देखें, सबसे ज्यादा अगर पीक की बात करो तो महाराष्ट्र ने सबसे ज्यादा लॉसेस को झेला, क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सवेर आउटब्रेक हुआ था COVID-19 का। इवन महाराष्ट्र अगर देखा जाए, इसकी लोकेशन आप लोग स्टूडेंट्स देखें, ये कोस्टल एरिया पे है, तो इसका मैक्सिमम जो ट्रेडिंग था वो सी रूट से था, वो भी बंद हो गया था, तो अफेक्ट बिल्कुल हो रहा था ये आपका महाराष्ट्र। क्लियर है? अगर बात करें यूपी की, तो यूपी में भी आपको सेम प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही थी। इवन योर तमिलनाडु, इवन योर तमिलनाडु ऑल्सो फेसेस, बट एज कम्पेयर टू द महाराष्ट्र, तमिलनाडु में कुछ हालात बेटर थे। क्लियर है ना? किसके बेटर थे? वो थे लॉसेस के, रेवेन्यू लॉसेस की बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे। क्लियर है? कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज आती है, डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस। अब ये है क्या चीज, ये आपका जीएस पेपर 1 एंड जीएस पेपर 3 के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। जनरल स्टडीज पेपर 1 के लिए एंड जनरल स्टडीज पेपर 3 के लिए काफी इंपॉर्टेंट न्यूज रहने वाली है। वो क्या है, कहते हैं लेबर की शॉर्टेज आ गई, बिल्कुल थी कोविड 19 के कारण आपकी लेबर में शॉर्टेज आ गई थी इन टू ग्रीनरी स्टेट्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। बिल्कुल ठीक है, फार्मर्स आर नाउ बींग एनकरेज्ड। तो किसानों ने किसमें लगाया, वो था एनकरेज टू एडॉप्ट डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस। क्या है डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस, मतलब DSR इन प्लेस ऑफ कन्वेंशनल ट्रांसप्लांटिंग। ये क्या कंसेप्ट हो गया, कहते COVID-19 पेंडेमिक हैज लीड द लेबरर्स टू रिवर्स माइग्रेट टू देयर विलेज विच हैज क्रिएटेड अ शॉर्टेज ऑफ लेबर। अरे इसीलिए तो हमने देखा था ना मनरेगा स्कीम जो लॉन्च की गई थी, इसीलिए तो हमने आज से पिछले वाले सेशन में देखा था कि ओडिशा सरकार ने झारखंड गवर्नमेंट ने 3 स्कीम्स को लॉन्च किया। क्यों किया लॉन्च, ताकि वहां पे जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको कम किया जा सके, क्योंकि लेबर माइग्रेट हो रही थी ड्यू टू द पैंडेमिक COVID-19। तो एक पैंडेमिक के कारण कितनी न्यूज बन रही आप देख पा रहे हो। क्लियर है? देखते हैं यहाँ पे कि DSR जिसको बोला डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस है क्या। पहले इससे पहले देखते हैं ट्रांसप्लांटिंग पैडी का मतलब क्या है। कहते हैं इन ट्रांसप्लांटिंग पैडी फार्मर्स प्रिपेयर नर्सरीज, इन्होंने किसानों ने नर्सरी बनाई वेयर द पैडी सीड्स आर फर्स्ट सोन। तो बीज को पहले लगाया गया एंड रेज इन टू यंग प्लांट्स, तो वो पौधे बन गए। द नर्सरी सीड्स बेड इज 5-10% ऑफ द एरिया टू बी ट्रांसप्लांटेड। कंसेप्ट ये थोड़ा सा दिमाग में रखना। क्लियर है? आगे चलते हैं, कहते हैं दीज सीडलिंग्स आर देन अपरूटेड। अब ये जो प्लांट्स है इसको अपरूट किया गया, निकाला गया, उसको फिर रीप्लांट किया गया कहां पे, जो एक एरिया था, जो फील्ड एरिया था, एग्रीकल्चर वाला एरिया, रीप्लांटेड 25-35 डेज लेटर इन द पडल्ड फील्ड। क्लियर है? ये मेथड्स हैं यहाँ पे। अब DSR जिसको बोला डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस, वो क्या है, कहते हैं इन DSR
pre-germinated seeds are directly drilled into the field. Concept देखे कौन सा seed है, pre-germinated seed है, वो directly हमने खेतों में गिर दिया field by tractor powered machines. हमने tractor की help से वो directly pre-germinated seeds को वहाँ पे लगा दिया. सब उससे पहले हम लोग ट्रांसप्लांटिंग पैटी थी कि बीज को लगाते थे, सोन करते थे, वो जब यंग प्लांट बन जाता था वहां से निकालकर हम लोग फिर फील्ड में लगाते थे, ठीक है ना. कहते देयर इज नो नर्सरी प्रेपरेशन, अब इस बार नर्सरी की प्रेपरेशन नहीं की गई और ट्रांसप्लांटेशन इन्वॉल्व इन दिस मेथड, क्लियर है. कहते फार्मर्स हैव टू ओनली लेवल देयर लैंड एंड गिव वन प्री सोइंग इरीगेशन. क्लियर है स्टूडेंट्स, यहाँ ये वाला कंसेप्ट आपको कि व्हाट डू यू मीन बाय डीएसआर, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसप्लांटिंग मेथड, क्लियर. चलिए आगे बात करते हैं राइस की. राइस क्या है, खारीफ क्रॉप है आपकी, ठीक है, कि खारीफ क्रॉप के अंडर आती है और ये चावल की फसल करने के लिए हमें तापमान काफी हाई चाहिए, हाई टेम्परेचर होता है, हाई ह्यूमिडिटी होगी विद एनुअल रेनफॉल 100 सेंटीमीटर तक की. याद रखना तीन कंसेप्ट, तापमान ज्यादा चाहिए, ह्यूमिडिटी ज्यादा चाहिए और बारिश हमें चाहिए 100 सेंटीमीटर तक की, क्योंकि आपको चावल के लिए खेती के लिए पानी की ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना. यहाँ पे होता है इन द एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल, जहां पे बारिश कम है, इट इज ग्रोन विद द हेल्प ऑफ इरीगेशन, आर्टिफिशियल इरीगेशन हमने यूज कर लिया. कहते सदर्न स्टेट्स में, साउथ की स्टेट्स में और वेस्ट बंगाल में क्या है, अब मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव से, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स ये आपका रहेगा यहां पे. वेस्ट बंगाल में तीन तरह की वैरायटी हम लोग उगाते हैं, तीन तरह की वैरायटी वेस्ट बंगाल में. नंबर वन ऑस, नंबर टू इज योर अमन एंड नंबर थ्री इज योर बोरो. ये वेस्ट बंगाल में हम लोग वैरायटीज यूज करते हैं, क्लियर है. ये एड ऑन डाटा था आपका कि साउथ स्टेट्स एंड वेस्ट बंगाल में क्लाइमेटिक कंडीशंस अलाउ करती है किसको, कि कल्टीवेशन ऑफ, एक मिनट, किसकी कल्टीवेशन करनी, चावल की ही होगी ना, कि कल्टीवेशन ऑफ टू और थ्री क्रॉप्स ऑफ राइस इन एन एग्रीकल्चरल ईयर. कंसेप्ट देख ले, एक से सॉरी दो से ज्यादा हम लोग वैरायटीज को यहां पे लगा रहे हैं क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन हमें फेवर कर रही है साउथ में और वेस्ट बंगाल में. यहां पे बोल दिया अबाउट 1/4, एक चौथाई टोटल क्रॉप्ड एरिया इन इंडिया, भारत के अंदर इज अंडर राइस कल्टीवेशन. कि अगर सपोज कर लो भारत हमारा एरिया है जिसके अंदर 100% एरिया है, तो वो 100% में से एक चौथाई एरिया हिस्सा एग्रीकल्चर के अंदर अगर यूज हो रहा है तो वो चावल के लिए यूज किया जाता है, ठीक है. हाई यील्डिंग स्टेट्स कौन से इंडिया के अंदर, पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल एंड केरला. याद रखें ये इंपॉर्टेंट रहेगा डाटा आपके लिए, ये प्रिलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है. कहते राइस कल्टीवेशन इन द इरीगेटेड एरियाज, अब जो चावल का हमने कल्टीवेशन किया पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर, कब किया, 1970s में, 1970 में किया था, फॉलोइंग द ग्रीन रेवोल्यूशन. ये मैं डाटा इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं आपके लिए, कौन सा है, ग्रीन रेवोल्यूशन, कि पंजाब हरियाणा में हमने राइस कल्टीवेशन शुरू की थी 1970 में फॉलोइंग द ग्रीन रेवोल्यूशन. अब डाटा थोड़ा सा एड ऑन करते, वैसे आपको नॉलेज है स्टूडेंट्स कि हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, वो है नॉर्मन बोरलॉग. ये कौन है नॉर्मन बोरलॉग, ये है आपके फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन. अगर मैं बात कर लूं भारत के लिए हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, तो वो है डॉक्टर M.S. स्वामी नाथन, क्लियर. इंडिया में 1966 में हमने शुरू किया था स्टूडेंट्स, ये चीज आप थोड़ा सा डाटा याद रखो कि 1966 में हमने ग्रीन रेवोल्यूशन, जो बोला कि हरी क्रांति को शुरू किया था, और 1970 के दशक में पंजाब और हरियाणा के राज्यों ने क्या शुरू कर दिया था, ग्रीन रेवोल्यूशन के तहत हमने चावल की कल्टीवेशन, मतलब खेती शुरू कर दी थी पंजाब और हरियाणा स्टेट्स में, क्लियर है यहां तक. कहते इंडिया कंट्रीब्यूट, अगर मैं पूरे वर्ल्ड की बात कर लूं, अगेन डाटा इंपॉर्टेंट रहेगा प्रीलिम पर्सपेक्टिव से. कहते इंडिया कंट्रीब्यूट, इंडिया कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, 21.6% ऑफ राइस प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड. तो अगर सपोज करो पूरे अर्थ पे हमारे पास 100% चावल है, तो वो 100% में से 21.6% आपका चावल भारत से बन रहा है, प्रोडक्शन हो रही, सॉरी, एंड रैंक्ड सेकंड भारत अब दूसरे स्थान पर है, सबसे पहला चाइना है और दूसरे पे अपना आ गया इंडिया 2016 के अकॉर्डिंग,
याद रखें ये डाटा 2016 के अकॉर्डिंग लिखा गया है यहाँ पे। क्लियर है स्टूडेंट्स यहाँ तक? कोई भी डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा। चलें आगे, आगे चलते हैं। हमारी नेक्स्ट न्यूज रहती है डाइमर भाषा डैम, सॉरी भाषण हा डैम, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है जीएस पेपर वन और जीएस पेपर टू के लिए, जनरल स्टडीज पेपर वन और जनरल स्टडीज पेपर टू के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ये डैम है, ये डैम आया आपका डाइमर भाषा डैम। क्लियर स्टूडेंट्स? देखें यहां पे है, कहते पाकिस्तान साइंड कॉन्ट्रैक्ट, पाकिस्तान ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया किसके साथ? जॉइंट वेंचर ऑफ चाइना पावर, चाइना के साथ ही करेगा, क्योंकि आपको पता ही है कि एक तो ये बेल्ट BRI चल रहा है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसके तहत हमने सीपैक को भी देख लिया था ना कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो उसी के अकॉर्डिंग तो पाकिस्तान ने जॉइंट वेंचर मतलब आपसी समझौता किया चाइना के साथ कि चाइना स्टेट रन फर्म है चाइना पावर एंड फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन FWO, अ कमर्शियल आर्म ऑफ पाकिस्तान मिलिट्री फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द डाइमर भाषा डैम। क्लियर? इंपॉर्टेंट डाटा आपके लिए, आपको पता होना चाहिए कि डाइमर भाषा डैम बनाया जा रहा है पाकिस्तान के द्वारा विद द जॉइंट वेंचर ऑफ चाइना पावर, जो एक वहां की कंपनी है, फर्म है, और एक है FWO विच स्टैंड फॉर द फ्रंटियर्स वर्क ऑर्गेनाइजेशन, ये है आर्म्स ऑफ पाकिस्तान मिलिट्री कमर्शियली। क्लियर है? ये बोलते हैं द कॉन्ट्रैक्ट कवर, अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये कवर कर रहा है कंस्ट्रक्शन को, ठीक है, मेन डैम्स को, असेस ब्रिज को एंड द 21 मेगावाट तंजीर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को। ये डाटा भी आपके लिए मेंस पर्सपेक्टिव में आप लोग लिख सकते हो इंटरनेशनल रिलेशंस में कि इसके अंदर इंडिया का क्या रोल प्ले हो रहा है, कि इंडिया किस नजरिए से देखेगा, वो हम लोग आने वाली स्लाइड्स में देख लेंगे। क्लियर? यहां पे बोला आप नेक्स्ट पॉइंट में द डाइमर भाषा डैम इज लोकेटेड ऑन इंडस रिवर, कंसेप्ट याद रखना इंडस रिवर। हालांकि डाटा अगर पढ़ा जाए द रिवर इंडस ओरिजिनेट फ्रॉम, स्टूडेंट्स बताएंगे द रिवर इंडस ओरिजिनेट फ्रॉम द कैलाश मान सरोवर लेक के पास से, ये आपकी इंडस रिवर ओरिजिनेट करती है। क्लियर है? जो तिब्बत में है, इन नॉर्थ पाकिस्तान, नॉर्थ पाकिस्तान में ये बनाया जा रहा डैम, बिटवीन कौन से डिस्ट्रिक्ट है, सॉरी वो है कोहिस्तान डिस्ट्रिक्ट इन खाइबर पख्तूनख्वा। क्लियर है? कौन सा है ये? कोहिस्तान डिस्ट्रिक्ट इन द खाइबर पख्तूनख्वा एंड डाइमर डिस्ट्रिक्ट इन गिलगित बाल्टिस्तान। अब कंसेप्ट आपको यहां पे समझ आना चाहिए, कंसेप्ट देखिए, एक डिस्ट्रिक्ट आ गया डाइमर का, वो डिस्ट्रिक्ट कौन सा है जो गिलगित बाल्टिस्तान के अंदर आता है, ठीक, POK के अंदर, अब जिक्र होगा। अब देखते हैं आपका ये कहां पे है, दिस इज योर स्टूडेंट्स डाइमर भाषा डैम। क्लियर है? यहां पर अपना भारत, ये अपना इंडिया, ठीक, देखते हैं आगे, आगे चलते हैं। ये बोलते हैं द डैम विल हैव अ ग्रॉस स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ, कि अगर डैम की बात की जाए इसके अंदर कितनी स्टोरेज कैपेसिटी है, वो है 8.1 मिलियन एकर फीट की, एंड पावर कितना जनरेट कर देगा, कैपेसिटी वो है 5500 मेगावाट्स की। क्लियर स्टूडेंट्स यहां तक? कोई डाउट है तो प्लीज बताएं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है, नेक्स्ट पॉइंट है विद द हाइट ऑफ, अब इसकी हाइट कितनी रहेगी, 272 मीटर्स, काफी हाइट है, इट विल बी द टॉलेस्ट, कौन सा ये टॉलेस्ट रोलर कॉम्पैक्ट कंक्रीट RCC डैम इन द वर्ल्ड, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट विद द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, आपको पता होना चाहिए कि टॉलेस्ट रोलर कॉम्पैक्ट कंक्रीट डैम जो पूरे विश्व में सबसे बड़ा है वो कौन सा, वो है आपका डाइमर भाषा डैम जो इंडस नदी पे बनेगा नॉर्थ पाकिस्तान में। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलें आगे, रिवर कौन सी है, इंडस। कहते द डैम प्रोजेक्ट विद द टोटल फाइनेंशियल आउटले ऑफ अबाउट, कितना आ रहा है इसका खर्चा, वो आ रहा है 1406.5 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस, वुड बी कंप्लीटेड इन 2028 में ये बनकर तैयार हो जाएगा आपका। क्लियर? अब कहते द प्रोजेक्ट वॉज अप्रूव्ड इन 2010 में इसको अप्रूवल मिल गई थी हालांकि, बट इट सफर्ड डिलेस
because क्यों इंटरनेशनल लेंडिंग एजेंसीज backtracked due to opposition from the India. अब आपको रोल पता लगा, मैंने अभी जिक्र किया था ना कि भारत इसमें क्या रोल प्ले कर रहा है. भारत ने बोला था कि ये नहीं बनना चाहिए, अपोज था, opposition था यहाँ पे, ठीक है ना. भारत क्यों, as a major part of the dam is located in, अभी हमने देखा था ना कि POK में इसका एक district आ गया, गिलगित बाल्टिस्तान, one of the disputed territory of India. क्योंकि भारत का क्या रोल प्ले है अब आपको पता होगा यहाँ पे. ये नोट डाउन कर ले स्टूडेंट्स, ये वाला पहला आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है. एंड इट विल कॉज अनरेस्ट इन द रीजन, बिल्कुल ठीक है. यहां बोला गया इंडिया हैज अपोज द मूव कि बनना नहीं चाहिए ऑन द ग्राउंड्स. किस आधार पे, ये आधार था कि गिलगित बाल्टिस्तान रीजन है जो इज अ पार्ट ऑफ इसराइल, स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आ गया ना कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कश्मीर में है, दैट वॉज इलीगली ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान, कि ये पीओके का पार्ट है और जम्मू एंड कश्मीर में आ रहा था गिलगित एंड बाल्टिस्तान. क्लियर स्टूडेंट्स, आगे चलिए. नेक्स्ट आता है, कहते इंडिया हैज कंसिस्टेंटली कन्वेड हर प्रोटेस्ट. अब भारत ने कॉन्टिन्यूसली बोल दो और एक शांतिपूर्वक तरीके से इसको प्रोटेस्ट किया. And shared the concern with both China and Pakistan. इन्होंने अपने भारत ने neighboring countries से भी बोला, China से बोल दिया, Pakistan से बोल दिया, on all such projects in the Indian territories under the Pakistan's illegal occupation. Clear? अब आता है, कहते in the past too, इससे पहले भी भारत ने oppose किया था project को. वो कौन सा प्रोजेक्ट था जिसने भारत ने अपोज कर दिया, वो था जो पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर चलाया था सीपैक को, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर. ये कौन सा प्रोजेक्ट था जो भारत ने अपोज कर दिया, वो था एक लग्जरी बस शुरू की गई थी जो हमने पढ़ा हुआ है अंडर द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर. ये लग्जरी बस आपकी कहां से होकर निकलती थी, ये लग्जरी बस स्टूडेंट्स आपकी निकलती होती थी गिलगित बाल्टिस्तान वाले हिस्से से जो पीओके का हिस्सा है. तो इंडिया ने इस पर भी एतराज जताया था, अपोज किया था, ठीक है. तभी तो ये पॉइंट लिखा गया कि इन द पास्ट टू इंडिया हैज अपोज्ड प्रोजेक्ट्स जॉइंटली टेकन अप बाय द पाकिस्तान एंड चाइना इन द पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर एज अ पार्ट ऑफ द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर. क्लियर है स्टूडेंट्स यहां तक, आगे चलें. हम लोग आगे मूव करते हैं. नेक्स्ट आती है हमारी न्यूज कि वेस्ट बंगाल मेजर इरिगेशन एंड फ्लड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट. ये आपके लिए न्यूज इंपॉर्टेंट रहेगी, जीएस पेपर वन, जीएस पेपर टू एंड योर जीएस पेपर थ्री के लिए. शुरू करते हैं पर काफी आराम से पढ़ेंगे. यहां पे लिखा भारत सरकार ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इवन द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, अब राज्य सरकार भी आ गई, द एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक भी आ गया, AIIB भी आ गया, इवन वर्ल्ड बैंक भी आ गया, हैव साइंड, इन सभी ने सिग्नेचर्स किए अ लोन एग्रीमेंट, लोन लिया किसके लिए. प्रोजेक्ट था वो था वेस्ट बंगाल मेजर इरिगेशन एंड फ्लड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट. कंसेप्ट याद रखें, फ्लड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट है. तो ऐसी कौन सी नदी है स्टूडेंट्स जो वेस्ट बंगाल में फ्लड्स लेकर आती है, हमारे अकॉर्डिंग तो दामोदर नदी है और दामोदर नदी को हम लोग देखेंगे आज. तो ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है कि डिस्ट्रीब्यूटरी है, हम लोग उसके ऊपर भी चर्चा कर लेंगे. चले अगर अब थोड़ा सा एड ऑन डाटा शुरू करें यहां पर, व्हाट डू यू मीन बाय एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक. ये है क्या चीज, ये यहां पे बोला गया है इज अ मल्टी लेटरल डेवलपमेंट बैंक. ये एक मल्टी लेटरल डेवलपमेंट बैंक है और इसका मिशन क्या है, विद अ मिशन टू इंप्रूव, किसको इंप्रूव करने स्टूडेंट्स, टू इंप्रूव सोशल एंड इकोनॉमिक आउट कम्स इन एशिया. कंसेप्ट को याद रखें, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है और इसका एक मिशन रहेगा कि सोशल एंड इकोनॉमिक आउटकम्स आए एशिया के अंदर, ठीक है. अब अगर मैं यहां से दूसरा पॉइंट लिख दूं, अब थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से लिख देते हैं, इसको एस्टैब्लिश किया गया था बाय AIIB आर्टिकल
of agreement entered into the force on kab on 25th of December 2015. ये आप लोग अंडरलाइन कर लो, प्लीज नोट डाउन कर लो डाटा स्टूडेंट्स, ये वाला क्लियर है यहां तक? किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताएं। इवन अगर मैं यहां पे भी लिख दूं, तीसरा पॉइंट मैं यहां पे लिखना चाहूंगा, इसका हेडक्वार्टर्स कहां पे है? कहते हेडक्वार्टर्स इन बीजिंग, बीजिंग में आपको इसका हेडक्वार्टर्स मिल जाएगा। एंड बिगैन इट्स ऑपरेशन, तो इसने ऑपरेशन कब स्टार्ट कर दिया था करना? इन जनवरी 2016। क्लियर स्टूडेंट्स यहां तक? ठीक, अगले साल में इसने ऑपरेशन नहीं हो गया था। अब चलते हैं आगे। यहां पे बोला गया द प्रोजेक्ट इंक्लूड्स इंप्रूवमेंट्स, किसके अंदर? इरिगेशन के अंदर और फ्लड्स के अंदर हमें इंप्रूवमेंट चाहिए। कहां पे? वेस्ट बंगाल में, इन द दामोदर वैली कमांड एरिया। कौन सा एरिया? दामोदर वैली कमांड एरिया के तहत हमें चाहिए। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? फिर भी रहेगा तो आपको पता है, आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। ठीक है, यहां पे लिखते हैं, कहते इट इज इंटेंडेड टू बेनिफिट अबाउट, अब ये, अगर ये प्रोजेक्ट बनता है तो कितना बेनिफिट मिलेगा? कहते 2.7 मिलियन फार्मर्स को फ्रॉम 5 डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल राज्य के 5 डिस्ट्रिक्ट में 2.7 मिलियन जो फार्मर्स हैं उन सभी को इस प्रोजेक्ट के बनने से काफी ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। क्लियर है स्टूडेंट्स यहां तक? आगे चलें। नेक्स्ट क्या है यहां पे बोला, इट विल इंप्रूव, एक सेकेंड, ये बोलते हैं इट विल इंप्रूव द मैनेजमेंट। किसकी मैनेजमेंट? दामोदर नदी की मैनेजमेंट को हमने देखना है। वो क्या है? दामोदर वैली कमांड एरिया इरिगेशन स्कीम टू इंप्रूव सर्विस डिलीवरी और परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, हम लोग देख सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं डेली बेसिस पे, एंड इरिगेशन एफिशिएंसी एवोल्यूशन। अब कंसेप्ट क्या आता है, ये आपकी आगे हुगली कोलकाता के पास आपको देखने को मिल जाएगा, और आपकी दामोदर रिवर कौन सी है, कहां पे है, ये आपका सारा डाटा आपके सामने है। एक आती है बारकर रिवर, आती है आपकी अजय रिवर आ रही है आपकी, ये सारी की सारी आपकी ट्रिब्यूटरीज आ रही है, और दिस इज योर दामोदर। क्लियर है? कोई डाउट है तो प्लीज बताएं मुझे। क्लियर है? तो ये सारे के सारे आपके रिवर्स हैं, उसकी फर्दर ट्रिब्यूटरीज चल रही हैं। यहां पे क्या बोलते हैं, इट विल इन्वेस्ट इन द मॉडर्नाइजेशन ऑफ इरिगेशन, हमने इरिगेशन को मॉडर्नाइज करना है, बढ़ावा देना है, इंफ्रास्ट्रक्चर एट मेन ब्रांच डिस्ट्रीब्यूटरी एंड माइनर कैनाल्स। एक तो मेन मतलब क्या हो गया, जो मेन नदी रहती है, जो मेन रिवर आ गई आपकी, ब्रांच क्या आ गई जहां पर मिल रही है। डिस्ट्रीब्यूटरी का मतलब क्या रहता है, अब सपोज कीजिए मेरे पास एक रिवर चल रही है, लेट से ए से मेरे पास बी, एक स्टूडेंट्स मेरे पास रिवर चल रही है। क्लियर है? मैं आपको कलर चेंज करके पढ़ा देता हूं, एक मिनट। अब देखते हैं, एक रिवर आई यहां से, वो इस तरीके से मिल गई ए बी को, मतलब मेरे पास ओसी रिवर है, तो ओसी रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर ए बी, तो बिल्कुल सही है। आप डायरेक्शन देख सकते हैं इसका, ये इसका डायरेक्शंस कहां पे, इसके डायरेक्शंस ए बी है, मतलब क्या है, ओसी रिवर अपना पानी किसको डोनेट कर रही है, ए बी को, तो हमने ट्रिब्यूटरी बोल दिया। अब यहां पे कुछ दिक्कत आ गई और ये एक रिवर अलग निकल गई इस तरीके से, ये इस तरीके से, मतलब ये आ गया ई एफ, तो मैं ये बोल सकता हूं द रिवर ई एफ इज कॉल्ड एज द डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ रिवर ए बी, क्योंकि इसने डायवर्जन क्रिएट कर दिया, पानी को डिवाइड कर दिया, तभी तो हमने डिस्ट्रीब्यूटरी बोल दिया स्टूडेंट्स यहाँ पे। क्लियर? एंड माइनर कैनाल लेवल्स, जो आगे फर्दर कैनाल निकल रहे हैं इसके, चले आगे। क्लियर है यहां तक? आगे देखते हैं, यहां बोला गया इट विल इन्वेस्ट इन स्ट्रक्चरल मेजर्स टू रिड्यूस फ्लडिंग इन द प्रोजेक्ट एरिया। अब आ गया कंसेप्ट की इसमें फ्लड्स भी हमने कम करने। इट विल ऑल्सो इंक्लूड इंप्लीमेंटेशन ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ डैम सेफ्टी, जो भी डैम बनते हैं उसकी सेफ्टी भी हमने रिकमेंड करनी है, ध्यान में रखने, इंप्लीमेंटेशन करने, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने, क्योंकि हमने देखा था ना कि मॉनिटर करने, वो कंसेप्ट आ गया आपका यहाँ पे। आगे देखते हैं, यहाँ पे बोला गया इट विल स्ट्रेंथन द इंप्लीमेंटेशन एजेंसीज कैपेसिटी, किसके लिए, फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इंक्लूड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, खर्चा भी बहुत होगा,
मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन कर रहे हैं, एनवायरमेंटल एंड सोशल सेफ गार्ड। ये एनवायरमेंटल क्यों? क्योंकि अगर आपके फ्लड्स नहीं आएंगे तो एनवायरमेंट भी सेफ रहेगा आपका कुछ हद तक, सोशल सेफ गार्ड्स रहेंगे आपके, कॉम्युनिकेशन बिल्कुल ठीक रहेंगे। इट विल ऑल्सो सपोर्ट अ कॉम्युनिकेशन कैंपेन टू इन्फॉर्म स्टेक होल्डर्स ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर यूज एफिशिएंसी। बिल्कुल ठीक है। यहां पे लिखा अब खर्चा हो रहा है कितना, कहते द टोटल वैल्यू ऑफ दिस प्रोजेक्ट कितना है, 413.8 मिलियन यूएसडी डॉलर्स का, और फाइनेंस किया को मतलब कईयों ने मिलकर फाइनेंस किया बिटवीन इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD ने किया। उस उन्होंने कितना कर दिया, 145 मिलियन डॉलर्स का। फिर आ गया एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, उन्होंने भी सेम किया 145 मिलियन यूएसडी डॉलर्स का। और उसके बाद अगर मैं बात करूं राज्य सरकार की, वेस्ट बंगाल सरकार ने कितना खर्च कर दिया, 123.8 मिलियन यूएसडी डॉलर्स का। तो तीनों ने ये क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट किया गया IBRD के द्वारा, दूसरा किया गया है आपका एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की तरफ से, और तीसरा आपका गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल की तरफ से। क्लियर है? तभी तो यहां पे हमने कोल फाइनेंस लिखा था। आगे चलते हैं। यहां पे लिखा गया दामोदर वैली के लिए, देख लेते थोड़ा सा एक मिनट। यहां पे बोला कि द दामोदर वैली कमांड एरिया इज इन द नीड ऑफ मॉडर्नाइजेशन, कि उसको मॉडर्नाइज करना, अपग्रेड करने की जरूरत है। कहते इट फेसेस की चैलेंजेस, वो कौन से हैं, इंक्लूड डिग्रेडेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स, इनएडिक्वेट इरिगेशन मैनेजमेंट, पुअर क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी एंड इनएफिशिएंसी इरिगेशन। क्लियर है आपको? अब कहते ये रीजंस के कारण जो किसान है इस एरिया का आर फोर्स टू एसेट ग्राउंड वाटर, तो वो ग्राउंड वाटर से इरिगेशन यूज करेगा विच इंक्रीजेज द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन। बिल्कुल ठीक है। कहते मोर ओवर द लोअर दामोदर बेसिन, उससे भी नीचे वाला बेसिन दामोदर नदी का एरिया इज हिस्टोरिकली फ्लडेड प्रोन एरिया, एज दिस एरिया लैक्स द इंफ्रास्ट्रक्चर टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट रिकरेंट फ्लडिंग। ऑन एन एवरेज 33,500 हेक्टेयर्स ऑफ क्रॉप, कितनी, 33,500 हेक्टेयर की फसल, सॉरी एरिया की फसल, एंड 461,000 पीपल आर अफेक्टेड हर साल होते हैं ड्यू टू फ्लडिंग इन द एरिया। ये आपको पता होना चाहिए, इसीलिए तो बोल दिया गया था कि मॉडर्नाइजेशन की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। एक तो इकोनॉमिकली लॉस होता है, और क्या होता है लॉस, सोशली भी हमें काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस आपको पता लगी। अब अगर बात करें दामोदर रिवर की, ये बोलते हैं कि दामोदर रिवर राइजेस कहां से निकलती है, पलामू हिल से। वो कहां पे, छोटा नागपुर प्लेट्यू में, कौन सी स्टेट में, कौन से राज्य में, झारखंड में। कि झारखंड में राज्य में छोटा नागपुर प्लेट्यू है, और वहां पे एक पहाड़ी है, कौन सी पहाड़ी, पलामू हिल है, वहां से अपने पास नदी निकल गई दामोदर रिवर। कहते इट पासिस थ्रू टू इंडियन स्टेट्स, तो भारत के ये दो राज्यों से निकलती, एक तो झारखंड से और वेस्ट बंगाल से। अब इंपॉर्टेंट रहेगा प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव से स्टूडेंट्स, कि दामोदर नदी की सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी कौन सी है, सबसे बड़ी, वो है बाराकर रिवर। कौन सी है, बाराकर रिवर इज द मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर दामोदर। क्लियर। कहते हैं लास्ट में, ड्यू टू द डिवास्टिंग फ्लड्स कॉज बाय दामोदर रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, की दामोदर नदी और उसकी सहायक नदियों ने जो फ्लड्स लेकर आए वेस्ट बंगाल के प्लेन मैदानी इलाकों में, इसीलिए तो दामोदर नदी को सॉरो ऑफ बंगाल का दर्जा भी दिया गया। जैसे हमने कोसी रिवर को क्या पढ़ा है, सॉरो ऑफ बिहार, सेम केस है आपका स्टूडेंट्स, कि दामोदर नदी को हमने क्या पढ़ लिया, सॉरो ऑफ बंगाल। क्लियर है? कोई डाउट है तो प्लीज मुझे लिखकर बताइएगा। सो ये रहा आपका, ये आपकी रिवर जा रही गंगा। अब यहां पे पद्मा क्यों हो गया, क्योंकि रिवर गंगा इज कॉल्ड पद्मा इन बांग्लादेश, और आपकी दामोदर नदी ये आ रही है, ये आ रही है आपकी दामोदर नदी। कहां से आ रही है, झारखंड से ओरिजिनेट होकर वेस्ट बंगाल में आती है। ठीक है, और ये किसको मिलती है, ये हुगली रिवर को मिलती है। किसको मिलती है, हुगली रिवर को मिलती है। आप लोग ऐसा बोल सकते हो कि दामोदर रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर हुगली, और इसके बाद यहां से एक नदी दामोदर नदी को मिलती है, वो कौन सी है, बाराकर रिवर। तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि बाराकर रिवर इज अ सब ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर हुगली, तो बिल्कुल सही है ना।
क्लियर है। तो स्टूडेंट्स आगे देखते हैं, कहते हैं दामोदर वैली कॉर्पोरेशन बना था 1948 में, इवन कहते एज द फर्स्ट मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट था ऑफ इंडिपेंडेंट एरिया आजाद भारत का, एंड फोर डैम्स वर कंस्ट्रक्टेड, इसके ऊपर चार डैम्स बने, कौन सा? नंबर वन तिलैया डैम, बारकर नदी पे बनाया गया, कहां पे? एट तिलैया इन द कोदरमा डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। दूसरा डैम आया अपने पास कोनार डैम, ये कोनार नदी पे बनाया गया, कोनार नदी ट्रिब्यूटरी है दामोदर रिवर की, कहां पे? हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, ये भी झारखंड के अंदर है। फिर तीसरा डैम बना मैथोन डैम, ये बारकर रिवर पे बना था नियर द कॉन्फ्लुएंस। कॉन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? कि जब बारकर रिवर आपकी दामोदर को मिली, वो पॉइंट हो गया कॉन्फ्लुएंस। तो वो पॉइंट जब बारकर नदी दामोदर नदी से मिलती है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड कॉन्फ्लुएंस, और उसी कॉन्फ्लुएंस के पॉइंट पे हमने डैम बना दिया मैथोन डैम। ठीक, फोर्थ क्या है? पंचेत डैम, ये दामोदर नदी पे बनाया गया अबाउट 20 किलोमीटर साउथ ऑफ मैथोन डैम। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो किसी को भी यहां तक कोई भी न्यूज का कोई डाउट रहेगा, कोई प्रॉब्लम रहेगी, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और मैं आज का सेशन यहीं तक रुक रहा हूं, और मैं आशा करूंगा कि आपको ये वाला सेशन भी काफी बढ़िया लगा होगा। तो प्लीज ये वाले सेशंस को भी रिव्यू कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।